नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं हूँ विशाल गलोत्र, आप देख रहे हैं हमारे चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 आप देख रहे हैं, जो कि हमारा x³ / x-1 × x-2 × x-3। इसमें क्या दोस्तों, हमारा तीन तीन टर्म दिया हुआ, लेकिन ना तो स्क्वायर है तीनों के ऊपर, ना ही क्यूब का साइन है। सिंपली क्या दोस्तों, पावर वन छुपा हुआ, वो तो हम लोगों को पहले से पता रहता है। तो जैसे कि क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले पूरे फंक्शन को वाई मानेंगे। जैसे कि मैंने माना है, चूंकि वाई इक्वल्स टू x³ / x-1 × x-2 × x-3। अब सिंपली इसको क्या करेंगे, जैसे पार्शियल में ब्रेक करेंगे। तो जैसे कि जब दो टर्म होता था, हम लोग ए और बी में ब्रेक करते थे। तो जब यहाँ पे थ्री टर्म आ गए, तो सिंपली ए बी और सी में ब्रेक करेंगे। तो जैसे कि फॉर्मूला जहाँ लगाएंगे, चूंकि पूरे फंक्शन को हम लोग एक्स मतलब कि वाई माने हैं, इसलिए क्या करेंगे दोस्तों, वाई के प्लेस पे इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट इम्प्लाइज डॉट का साइन देने के बाद सिंपली ये वाला जो हमारा टोटल फंक्शन था, इसको मैंने लिख दिया, जो कि था x³ / x-1 × x-2 × x-3 इक्वल्स टू का साइन। अब इसको पार्शियल में ब्रेक करेंगे, तो क्या होगा दोस्तों, एक टर्म पहले मतलब कैपिटल ए के नीचे x-1 आएगा, बीच में प्लस का साइन, फिर उसी तरह बी के नीचे आएगा x-2, फिर प्लस का साइन, फिर उसी तरह थर्ड टर्म मतलब सी के नीचे आएगा x-3। क्योंकि अब पार्शियल में ब्रेक हो गया, तो हम लोग क्या हमारा जो अनोन, सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, उसको और सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद अनोन वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते होंगे, मैंने क्या किया, इम्प्लाइज एड का साइन देने के बाद LHS वाला जो हमारा टर्म था, उसको वैसे का वैसे रखे। RHS में क्या होगा दोस्तों, तीनों में मतलब कि जो हमारा डिनोमिनेटर था, सिंपली उसको मतलब कि एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा दोस्तों, x-1, x-2 और x-3 हो जाएगा। और एलसीएम लेने के बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये ऊपर वाला जो टर्म हमारा आप देख रहे होंगे, वो आएगा। अब क्या होगा दोस्तों, देखिए कि दोनों तरफ जो हमारा साइड है, उसका क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपली डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ न्यूमिनेटर वाला पार्ट बचेगा। तो न्यूमिनेटर वाला पार्ट मैंने लिखा है, जो कि था इम्प्लाइज एड का साइन देने के बाद x³ (a)(x-2)(x-3)+(b)(x-1)(x-3)+(c)(x-1)(x-2). अब इसी तरह यहाँ से एक्स मतलब कि एक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो बी का वैल्यू हमारा दे देगा, जो कि -8 आएगा। तो उसी तरह एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे, मतलब इस इक्वेशन में आप 3 पुट कीजिएगा, तो सी का वैल्यू आपको मिलेगा, जो कि 27/2 था। उसी तरह एक्स का वैल्यू आप 1 पुट कीजिएगा। अब क्या दोस्तों, उसी तरह फिर +c(x-1)(x-2) होगा। उसी तरह उसके बाद फिर क्या दोस्तों, एक्स का वैल्यू आप 1 पुट कीजिएगा, तो ए का वैल्यू हमारा देगा, जो कि था वो जो कि आएगा हमारा, इसलिए a=1/2। अब ए बी और सी का वैल्यू हम लोगों ने पता कर लिया, तो सिंपली क्या करेंगे, जो हम लोगों ने पार्शियल में ब्रेक किया जो टर्म, उसमें ए बी और सी का वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोगों को पार्शियल में ब्रेक किया, तो जो कि था मैंने लिखा वहाँ पर, क्या किया मैंने, डायरेक्ट यहाँ पे ए बी से और फिर ए बी और सी का वैल्यू पुट कर दिया। इम्प्लाइज एड के साइन देने के बाद y=, डायरेक्ट ए का वैल्यू हमारा 1/2 था, तो 1/2 लिखा। ठीक उसी तरह बीच में प्लस का साइन देने के बाद बी का वैल्यू -8 था, तो यहाँ पे -8 मैंने पुट किया। फिर बीच में प्लस का साइन देने के बाद सी का वैल्यू जो था हमारा 27/2, उसको पुट कर दिया सी के नीचे, मतलब कि सी के प्लेस पे। अब सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, जो कॉन्स्टेंट है उसको हम लोग बाहर रखेंगे, और सी इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, तो देखिए यहाँ पर वन छुपा हुआ है, यहाँ पर भी वन छुपा हुआ है, यहाँ पर वन छुपा हुआ है, तो हम लोग को पहले से पता है। तो ये ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में मतलब कि डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमिनेटर में जाएगा, तो पावर माइनस में आ जाएगा। जैसे कि अगला स्टेप देख रहे होंगे, जो कि मैंने लिखा इम्प्लाइज एड के साथ देने के बाद y=1/2 × x-1 / -1 - 8, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8 x-2 पर पावर -1 हो जाएगा, फिर ये प्लस का साइन 27/2 वैसे का वैसे x-3 पे पावर -1 हो जाएगा। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा आप, तो y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव आप कीजिएगा, तो x^n वाला फॉर्मूला लगाएगा, तो वो फॉर्मूला लगाएगा, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 1/2 × 1/2, तो कॉन्स्टेंट ये बाहर रहेगा, फिर ब्रैकेट के अंदर -1 × x-1 पे पावर -2, फिर यहाँ पे -8 वैसे का वैसे जो कि हमारा कॉन्स्टेंट था, यहाँ भी -1 × x-2 पे पावर -2, फिर बीच में प्लस का साइन 27/2 वैसे का वैसे एक्स मान, फिर अंदर में क्या होगा दोस्तों, -1 × x-3 पावर -2। उस तरह सेकंड डेरिवेटिव आप निकालिएगा, तो क्या आएगा दोस्तों, y²=1/2 - 1 × -2, क्योंकि x^n वाला फॉर्मूला ठीक इसमें भी अप्लाई होगा, x-1 पे पावर -3 -8 वैसे का वैसे -1 - 2 × x-2 पे पावर -3, फिर यहाँ पर +27/2, फिर ब्रैकेट के अंदर -1 × -2 × x-3 पे पावर -3। उसी तरह हमारा थर्ड, जब हम लोग थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या होगा दोस्तों, हमारा पर y³=1/2 - 1 - 2 - 3 होगा इस बार, × x-1 पावर -4। ठीक उसी तरह -8 बाहर करेगा वैसे वैसे, चूंकि कॉन्स्टेंट है, फिर यहाँ पे -1 × -2 × -3 × x-2 पावर -4 यहाँ पर भी होगा। ठीक उसी तरह हमारा जो तीसरा टर्म होगा +27/2, यहाँ पर -1 − 2 - 3 × x-3 पावर -4। अब सिंपली क्या करेंगे, तो आप इसको आगे भी लेके जा सकते हो y4 y5 तक, मैं थर्ड टर्म तक लेके गया हूँ, उसके बाद डॉट डॉट करके nth लिख दिया, इसका मतलब कि अभी हम लोग इसको nth ऑर्डर तक लेके गए, nth टर्म तक। अब इसका इसको हम लोग क्या करेंगे, n वी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब वाई एन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सिंपली 1/2 यहाँ -1 पे पावर n आएगा, × 1 × 2 × 3 जो हमारा टर्म बच जाएगा, n टर्म तक जाएगा। ठीक उसी तरह क्या होगा, x-1 पे पावर -n + 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस के साइन के साथ 8 होगा,
यहाँ पर भी माइनस वन में पावर एन हो जाएगा, एन टू के साइन के साथ वन इंटू टू इंटू थ्री डॉट 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 एन तक जाएगा। उसके बाद फिर एक्स माइनस टू पे पावर माइनस एन प्लस वन होगा। फिर उसी तरह हमारा थर्ड टर्म भी होगा जो कि है मैंने लिखा है 27/2 माइनस वन पे पावर एन इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू डॉट 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 एन तक गया, क्योंकि हम लोग यह ध्यान रखें कि एन बार डिफ्रेंशिएट करें, एन थोड़ा तक मतलब एन भी बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा एक्स माइनस थ्री पे पावर माइनस एन प्लस वन। अब इसको और थीम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एन का फैक्टोरियल हो जाएगा और ये नेगेटिव पार्ट को हम लोग जब इसको मतलब कि हटाएंगे पावर में जो नेगेटिव है हमारा, तो हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। देखिए कि हर एक टर्म में नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, फिर हमारे सेकंड पार्ट में भी जो हमारा पावर नेगेटिव है, हमारे थर्ड पार्ट में जो पावर है नेगेटिव में। तो सिंपली जब इन लोगों का पावर को पॉजिटिव बनाएगा तो टोटल टर्म डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो जैसे कि अगला टर्म आप देख रहे होंगे यहाँ पर माइनस वन में पावर एन इंटू एन का फैक्टोरियल लिख दिया जो कि वन इंटू टू इंटू थ्री था। तीनों टर्म में देख सकते होंगे आप ये हमारा एन का फैक्टोरियल बन जाएगा डिवाइड बाय सिंपली क्या करें, जो बाहर में वन था उसको सिंपली न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो वन मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही टर्म लगेगा, लेकिन नीचे टू से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टू इंटू एक्स माइनस वन में पावर एन प्लस वन हो जाएगा। फिर बीच में माइनस का साइन, फिर क्या होगा दोस्तों माइनस वन में पावर एन इंटू एन का फैक्टोरियल एट, एट से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ बाहर में एट था तो ये न्यूमिनेटर मतलब इसके नीचे कुछ नहीं था, यहाँ पर वन छुपा हुआ है तो ये न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों माइनस वन में पावर एन इंटू एन का फैक्टोरियल इंटू एट डिवाइड बाई एक्स माइनस टू पे पावर एन प्लस वन। फिर उससे यहाँ प्लस का साइन, तो यहाँ पर क्या था दोस्तों बाहर में 27/2 था तो 27 न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और टू हमारा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर प्लस माइनस वन में पावर एन इंटू एन का फैक्टोरियल इंटू 27/2 इंटू एक्स माइनस थ्री पावर एन प्लस वन। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो हमारा तीनों टर्म आ गया मतलब कि एन थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के बाद जब एन थोड़ा निकाला था हमारा तीनों टर्म देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, हमारा माइनस वन में पावर एन टू एन का फैक्टोरियल पहला टर्म में, इसमें भी देखिए माइनस वन में पावर एन इंटू एन का फैक्टोरियल दूसरा टर्म में, यहाँ पर भी देखिए माइनस वन में पावर एन इंटू एन का फैक्टोरियल तीसरे टर्म में भी है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में इसके टू है लेकिन यहाँ टू नहीं और यहाँ टू है, इसलिए जो हमारा कॉमन आ रहा है सिर्फ न्यूमिनेटर में से यही दो टर्म आ रहा है। तो इसको सिंपली वाई एन इक्वल्स टू मैंने कॉमन ले लिया इसलिए कि यहाँ पर साइन देने के बाद, इसलिए वाई एन इक्वल्स टू माइनस वन में पावर एन इंटू एन का फैक्टोरियल हम लोग बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारा पार्ट बच जाएगा 1/2 इंटू वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन में पावर एन प्लस वन, बीच में माइनस साइन, ऊपर यहाँ पर एट बच जाएगा न्यूमिनेटर में डिवाइड बाई एक्स माइनस टू पर पावर एन प्लस वन, फिर बीच में प्लस का साइन, वहाँ पर 27 बच जाएगा और यहाँ पर टू बच जाएगा टू इंटू एक्स माइनस थ्री पे पावर एन प्लस वन। तो ये हो गया हमारा आंसर, मतलब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन दोस्तों। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।